हेलो फ्रेंड्स, कायना किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आप देख रहे हैं कि ये मैं लाल मिर्च और हरी मिर्च लेकर आई हूँ। मैं इसकी एकदम स्पेशल चटनी बनाने जा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटकारेदार बनकर तैयार होगी। तो फिर शुरू करते हैं। पहले मैं इसको एकदम महीन महीन दोनों मिर्चियों को काट लूंगी। ये मैंने देखिए हरी मिर्च और लाल मिर्च को चॉपर में चला लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, ये मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसको डाल रही हूँ। ये लहसुन डाल रही हूँ, इसे भी मैंने चॉपर में चला लिया था। और मैंने मूंगफली को भून लिया हल्का, इसको मैंने कूट लिया है, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार होगी। और ये मैं डाल रही हूँ सफेद तिल, इसको भी मैंने भून लिया। और अब इसमें डाला थोड़ा शक्कर और थोड़ा नमक, और ये डाला सेजवान चटनी ये। और अब सब इसको मिक्स कर लूंगी मैं। और ये मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेज पत्ता, ये डाला 3 इंच लौंग और 5 से 6 काली मिर्च, ये डाला दालचीनी और ये 1 चक्रफूल। और अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, ये मैं सब भून के इसको भी इस तेल को छानूंगी। ये देखिए पूरा अच्छे से हो गया है। अब मैं इसको तेल को छान कर अलग कर लूंगी। और अब मैं गरम गरम ही ऑयल इसमें डाल दूंगी, फिर मिक्स करूंगी। फ्रेंड्स, चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपको कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। और प्लीज एक बार मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे FB और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब मैं इस चटनी को कंटेनर में भर के रख लेती हूँ, ये 1 हफ्ता फ्रिज में रख के खाई जा सकती है आराम से। फिर मैं मिलती हूँ अगली डिश के साथ। थैंक यू सो मच।